हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यात्रा गुरु 29। और अभी मैं हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हमारी यात्रा है कालका स्टेशन तक। कालका पहुँचने के बाद वहाँ से स्टार्ट होगी शिमला, और शिमला के बाद स्टार्ट करेंगे मनाली। तो ये शिमला मनाली ट्रिप की वीडियो मैं आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल चंडीगढ़ नहीं उतर रहे हैं, कालका तक हमारा सफ़र है। तो कालका तक हम उतरेंगे, और बाद वहाँ से हम पकड़ेंगे बस, और बस हमें पहुँचाएगी शिमला। तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया यहाँ रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। ये कालका सुपर फास्ट ट्रेन है, बढ़िया सी ये ट्रेन चल रही है। और अभी हमको भोपाल से यहाँ तक आने में करीब 14-15 घंटे का सब समय लग चुका है। बढ़िया ट्रेन है, बढ़िया चली, करीब 1 घंटे लेट चल रही है, नहीं तो हमें कालका से टॉय ट्रेन आराम से शिमला के लिए मिल जाती। बट नो प्रॉब्लम, बने रहे यात्रा गुरु 29 के साथ, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा समय समय पे। ओवरनाइट का सफ़र तय करके हम सुबह पहुँच चुके हैं कालका रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ पीछे यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे छूट गया है। चंडीगढ़ इसलिए नहीं उतरे क्योंकि हमको जो है शिमला के लिए जाना है। अगर मनाली के लिए जाना होता तो चंडीगढ़ ऑफ कोर्स हम लोग उतरते और वहाँ से बस लेते। इसके बाद अब हमें आज शिमला के लिए पहुँचना है, तो हम लोग बस पकड़ेंगे और करीब 4 से 5 घंटे का सफ़र तय करके पहुँचेंगे शिमला। इस पूरी जर्नी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम बजट में कैसे आप अपनी ट्रिप कर सकते हैं। पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, कालका रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने वाले हैं। ये यहाँ से एग्ज़िट गेट है, आप देख सकते हो। एग्ज़िट गेट से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे ये टिकट काउंटर है। अगर आपको टॉय ट्रेन से भी जाना है तो यहाँ पे टिकट मिल सकता है। और ये यहाँ से बाहर निकल के मैं पहुँचता हूँ आपको बाहर। हाँ, कालका का रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, देख सकते हैं आप। यह बाहर का नज़ारा, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी आप पर्सनल बुक करके शिमला की साइड जा सकते हो। कालका रेलवे स्टेशन, यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है शिमला के लिए, जो कि सुबह 3:30 से स्टार्ट होती है और 12:10 पे लास्ट ट्रेन यहाँ पे आपको मिलती है। आप रिजर्व टिकट भी ले सकते हो, अनरिजर्व टिकट भी ले सकते हो। बट अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कोई सी भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को अनफॉर्चुनेटली बस पकड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कालका स्टेशन के जैसे ही आप बाहर निकलते हो और शिमला की बस अगर आपको पकड़नी है, तो कुछ ये नज़ारा आपको बाहर का देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप बाहर की शिमला बाहर आके शिमला की बस पकड़ सकते हो। यहाँ से शिमला का रेट कालका से ऑर्डनरी बस का, जो गवर्नमेंट बस है, करीब 170-180 के करीब है, जो कि हर आधे घंटे में 15 मिनट में आती रहती है। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा बहुत ही जो है, ये मेन रोड है शिमला का, और यहाँ से सीधा ये शिमला जाएगा और बस स्टैंड इस साइड है, तो बस यहाँ से आएगी। तो दोस्तों, ये है कालका से शिमला का 4-लेन हाईवे, और ये खड़ी है हमारी बस, और यहाँ पे अभी जाना है। तो बस लगभग 1 से 1.5 घंटे चल चुकी है, और अभी हम रुके हैं कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। आप देख सकते हैं ये ढाबा है, और यहाँ पे कुछ समय थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे और निकलेंगे फिर शिमला के लिए। लगभग 4 घंटे का सफ़र है कालका से, 1.5 से 2 घंटे का सफ़र हम कर चुके हैं। देखते हैं, कुछ खाते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, फाइनली शिमला पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हो ये शाम का सनसेट का नज़ारा, कितना बेहतरीन और शानदार व्यू आपको दिख रहा है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ की चोटियां, और साथ ही साथ ये हिमालय के गोद में बसा शिमला। आप देख सकते हैं शिमला का ये शाम का नज़ारा।
बहुत ही शानदार। और अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के मॉल रोड का नज़ारा। ये नैरो गेज आपको दिख रहा होगा, रेलवे स्टेशन का रास्ता यही है। और आप देख सकते हैं ये शाम का नज़ारा, और मैं चल रहा हूँ यहाँ पे फुटपाथ पे जो रोड के किनारे है, और रोड के किनारे चलते चलते अभी मॉल रोड पे जाता हूँ। मॉल रोड पे जाके पता चलेगा क्या नज़ारा है वहाँ का, कैसा क्या माहौल है, रूम कितने का मिल रहा है, कैसे क्या रूम के रेट है, वो आगे चल के पता चले। तो फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 7 और ये शिमला का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा रूम है, बहुत ही शानदार लोकेशन पे मैंने रूम लिया है। बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, क्या बेहतरीन व्यू शिमला का। सनराइज़ होने वाला है लेकिन अभी फॉग है तो थोड़ा सा आपको सनराइज़ कम दिखेगा, बट आप देख सकते हो पहाड़ों की रानी शिमला, क्वीन ऑफ हिल्स। तंग छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे मकान, और ये शिमला का खूबसूरत। तो फ्रेंड्स ये शिमला का गुरुद्वारा है जो कि मेन रोड पे है, और यहाँ से हम लोगों ने ये रूम लिया है। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया यहाँ पे रूम की फैसिलिटी है। रूम नंबर 5 यहाँ पे मिला है। चलिए आपको दिखाता हूँ रूम का नज़ारा, ये देखिए बहुत बढ़िया रूम है। बेड भी अच्छा है, और यहाँ से बाहर का फुल आपको व्यू नज़र आएगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये शिमला की वादियाँ, घर। यहाँ पे ये कर्टन्स डले हुए हैं, साथ ही साथ ये जो विंडो है ये ओपन कर सकते हो आप, और ओपन करने के बाद ये देखो आप बाहर का नज़ारा। रूम बहुत बढ़िया है गाइस, करीब 600 रुपये में हमको ये मिला, जिसका चेकआउट टाइम सुबह 10 बजे है। कभी भी लो आप, सुबह 10 बजे आपको रूम खाली करना पड़ेगा। यहाँ पे आप आ सकते हो शिमला में, मुझे नहीं लगता इससे सस्ता और कहीं रूम मिलेगा, क्योंकि फैसिलिटी के हिसाब से रूम बहुत बढ़िया है। ये देखो आप बाथरूम दिखाता हूँ आपको, एकदम नीट एंड क्लीन, साथ में गीजर भी लगा हुआ है। यह है शिमला का गुरुद्वारा जो कि मेन रोड पे है, और यहाँ पे लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है, रूम भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ का एंट्री गेट है, और ये काउंटर बना है। रूम का रेट 600 रुपया है, 600 रुपये में आप जो है रूम की बढ़िया सी फैसिलिटी ले सकते हो, सभी सुविधाएँ हैं रूम में। ये सीधा रोड आगे टाउन साइड चला गया, और यहाँ पर ऊपर साइड जो है माल रोड है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा सुबह का। तो आप देख सकते हैं ये कैसे शिमला का यहाँ पे नज़ारा है। गुरुद्वारे से अभी हम लोग निकल आए हैं, अब आज का टूर है जाखू टेंपल और माल रोड, और भी कुछ शिमला की लोकल साइट सीन आज घुमाते हैं। चलो आपको बने रहे यात्रा गुरु 29 के साथ। और सुबह सुबह का बहुत ही शानदार माहौल है, चिलचिली धूप में बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ये शिमला का ओल्ड बस स्टैंड, और आप देख सकते हैं यहाँ से बसें जो है शिमला के लिए, शिमला से बाहर जाना है तो यहाँ के लिए मिल सकती हैं। ये कुछ मार्केट है, और मार्केट में कुछ खाने पीने का भी सामान आपको यहाँ पे मिल सकता है। बसें लोकल भी चलती हैं, जैसे यहाँ पे कुफरी, नारकंडा, यहाँ के लिए भी अगर आप बस लेना चाहो तो यहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको मनाली की साइड जाना है तो शिमला ओल्ड बस स्टैंड से आपको शिमला के न्यू बस स्टैंड पे जाना पड़ता है, और वो न्यू बस स्टैंड यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बहुत सारी बसें यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ बस ओल्ड बस स्टैंड तक आती हैं, बाकी बसें न्यू बस स्टैंड से मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का ये इस तरीके का माहौल है।
तो जा रहे हैं कुफरी, शिमला से कुफरी करीब 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है, और इस बीच में हमको ये बहुत ही शानदार रास्ते में व्यू पड़ा। आप देख सकते हो बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का देखने को मिल रहा है। और ये मेन रोड है, मेन रोड पर सभी लोग अपनी अपनी सेल्फीज़ ले रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सभी ने अपनी अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। सीधा रोड जाता है कुफरी की साइड। अभी इस बीच में क्या है कि आपको अगर आप स्कूटी हायर करते हो या बाइक लेते हो तो आप थोड़े नज़ारों के लुफ्त उठाते हुए, विहंगम दृश्य को देखते हुए आप यहां से निकल जाओगे। अगर आप बस से जाते हो, बस भी अवेलेबल है, बस बजट कम पड़ेगा, लेकिन आप रुक नहीं पाओगे रास्ते में, डायरेक्ट कुफरी रुकोगे। और अगर आप टैक्सी बुक करते हो तो करीब 2000 रुपये टैक्सी के लगते हैं शिमला से कुफरी के लिए। प्रेजेंट में शिमला में बर्फ़ नहीं है तो उसके लिए कुफरी और नारकंडा जाना पड़ रहा है। तो अगर आपको बर्फ़ देखना है, आइस में कुछ एक्टिविटी करनी है उसके लिए, तो अभी देखते हैं कुफरी जाके क्या मिलता है। कुफरी जाने के बाद आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। बने रहें यात्रा गुरु 29 के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये शिमला से कुफरी वाला रोड है, और स्कूटी हायर कर ली है। स्कूटी का 600 रुपये ले रहा था, 500 रुपये में मान गया और 2000 रुपये सिक्योरिटी जमा करी है। करीब 16 किलोमीटर कुफरी पड़ेगा शिमला से, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और रास्ता आपको दिखा रहे हैं। रास्ते में बहुत अच्छे अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, एकदम तो फ्रेंड्स कुफरी पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हो कुफरी का माहौल क्या बेहतरीन। कुफरी का जो है माहौल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो रास्ता है ये कुफरी के लिए गया है शिमला। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कुफरी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बर्फ़ जमा हुआ है, बर्फ़ है यहाँ पे, चारों तरफ बर्फ़ जमा हुआ है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में क्या है ना, नीचे बहुत सारे लोग रोकते हैं कि ऊपर अलाउ नहीं है जाना, घोड़े से जाओ, याक से जाओ, या फिर हमारे साथ गाइड लेके जाओ। तो आपको वहाँ पे क्या है ना, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है और सीधा अपना वाहन या अपनी व्हीकल या फिर जिस चीज़ से भी आप आए हो, आपको ये कच्चा रोड मिलेगा कुफरी, जहाँ से 0 किलोमीटर लिखा होगा वहाँ से ये कच्चा रोड सीधा चढ़ते हुए आपको ऊपर जाना है। और ऊपर जाओगे आप, आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बर्फ़ मिलेगी आपको। बर्फ ही बर्फ, आइस ही आइस, स्नो ही स्नो गाइस।
तो गाइस फाइनली कुफरी आ चुके हैं और आप देख सकते हो कुफरी का नज़ारा। ये पार्किंग है, यहाँ पे आप गाड़ी अगर लेके आए हो तो पार्क करनी पड़ेगी, पेड पार्किंग है। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कुफरी का फार्म बना हुआ है, गार्डन है। और कुफरी में बहुत चीज़ें हैं घूमने के लिए, एप्पल गार्डन है, एडवेंचर पार्क है ना। और टॉप पे ले जाते हैं घोड़े के थ्रू, वहाँ पे आप पैदल नहीं जा सकते और ना ही आपका व्हीकल जाएगा, आपको घोड़ा करना पड़ेगा, जो कि 300 से लेके 500 तक के घोड़े के रेट हैं। हेलो फ्रेंड्स, पहुँच चुके हैं कुफरी, जो कि शिमला से करीब 16 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं कुफरी का नज़ारा, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ जमी है। हाँ, ये है कि बर्फ़ अभी रिसेंटली स्नोफॉल नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा पुराना स्नोफॉल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको कहीं कहीं बर्फ दिख रहा होगा, कहीं कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से आप लेकिन फिर भी कुफरी में आने के लिए ये ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्नो का अगर मज़े लेना है, देखना है आपको, स्नो फोटोग्राफी करना है, तो आप इस एरिया में आ सकते हो। ये जो आगे रोड गया है आप देख सकते हो, ये रोड गया है चेल की साइड, यहाँ से चेल भी अपन जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है, हॉर्स राइडिंग, याक राइडिंग और भी बंजी टॉपिंग, ट्यूब स्लाइडिंग, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे होती है, तो आप कर सकते हो। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पीछे का नज़ारा देखो मेरा, कितना आपको यहाँ पर बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा। और ये कुफरी का फार्म है, यहाँ अंदर जाने नहीं देते हैं, बस ये सिर्फ आपके लिए फ़ोटोग्राफी करने के लिए है, तो आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी बाहर से कर सकते हो। चारों तरफ यहाँ पे ये फेंसिंग लगी हुई है, अंदर आ जाना अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आपको बर्फ में कुछ एक्टिविटी करनी है तो आपको यहाँ से टॉप पे जाना पड़ेगा। वो टावर आप देख रहे हैं ना, वो टावर के उस साइड से कुछ एक्टिविटी होती है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको घोड़ा लेना पड़ेगा या राइडिंग लेनी पड़ेगी। तो वहाँ जाने के बाद आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हो, थोड़ा सा महंगा है, बट फिलहाल अगर आप आइस स्नो में आते हो तो थोड़ा महंगा पड़ता है, और अगर आउट सीजन में आओगे तो सस्ता पड़ेगा। जुड़े रहे हैं यात्रा गुरु 29 के साथ। अगर और आगे की अपडेट देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। ये देखो आइस ही आइस, बर्फ ही बर्फ, आप देख सकते हो स्नो ही स्नो यहाँ पे। बस ये है कि रिसेंटली स्नोफॉल नहीं, पुराना स्नोफॉल है। और यहाँ पे जहाँ पे ये जंगल वाला एरिया है, जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, वहाँ पे बर्फ़ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। कितना सारा बर्फ़ है, बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ है, एकदम सॉफ्ट बर्फ़ देखो आप, एकदम सॉफ्ट बर्फ़ है। शिमला वाकई में बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर एक बार शिमला आए। हाँ, थोड़ा सा महंगा है लेकिन चलेगा, अपना बजट थोड़ा सा टाइट करके चलना तो आप शिमला बहुत अच्छे तरीके से जल्दी अच्छे अच्छे स्पॉट घूम पाएंगे। अभी कुफरी में है, ये रोड सीधा चेल की साइड गया है, तो आप चेल भी जा सकते हैं। इसके आगे एक रोड है वो नारकंडा के लिए गया है, तो नारकंडा के लिए भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर देखने को मिल सकता है। बस ये है कि अभी यहाँ पर ये थोड़ा जंगल टाइप में बर्फ़ जमा हुआ है, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे नहीं आती है। प्लेन एरिया में बर्फ़ आपको यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैं आपको ले चलूँगा ऊपर। आप बने रहें वीडियो के साथ यात्रा गुरु 29 पे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिमला से कुफरी, फिर कुफरी के बाद चेल, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ कैसा खुशनुमा माहौल है, बहुत ही शानदार और बढ़िया से, कहीं कहीं स्नो अब भी आपको देखने को मिल रहा है, और सनलाइट भी बराबर निकली हुई है, और आपको यहाँ पे ठंड का बहुत ही बढ़िया सा आनंद लेने आना है तो आप चेल की साइड भी आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत शानदार नज़ारा,
अभी फरवरी में हम लोग यहाँ पे हैं और फरवरी के टाइम स्नो जो है जितना होना चाहिए था इतना नहीं है, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए आप लोग बने रहें यात्रा गुरु 29 की साइड में, आपको दिखा रहा हूँ शिमला मनाली टूर और आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों ये सेल्फी पॉइंट है जिस पे लिखा है आई लव कुफरी। जैसे आप कुफरी से थोड़ा नीचे आओगे चैल की साइड तो आपको ये यहाँ पे ये रेस्टोरेंट मिलेगा और बहुत अच्छा यहाँ पे स्पॉट है, कुछ एक्टिविटी भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो अब बर्फ़ अभी साफ़ हो रही है, इसके रूफ़ पे जो है बर्फ़ जम गया था। ये आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ पे आइसक्रीम मिलेगी और साथ ही साथ कुछ बच्चों के लिए भी एक्टिविटी है यहाँ पे करने के लिए, जैसे झूले डले हुए हैं आप देख सकते हैं, ये झूले डले हुए हैं। बहुत बढ़िया माहौल है एकदम, सूर्य की रोशनी में बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठंड जैसे ही आप थोड़ा फॉरेस्ट एरिया में जाओगे तो ठंड वहाँ पे बढ़ जाती है, और आप अगर सनलाइट में रहते हो तो ठंड आपको जो है बहुत फील नहीं होती, ऐसे ज़्यादा फील नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया से ये बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं भैया। जैसे ही थोड़े ऊपर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको ये जू मिलेगा, जू का नाम है हिमालयन नेचर पार्क कुफरी, और यहाँ पे आप लोग आगे अंदर चल के जो है फॉरेस्ट एरिया का भी मज़ा ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे स्नो भी देखने को मिल सकती है अच्छी खासी। टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट का जो एडल्ट रेट है वो है 50, चिल्ड्रन का 20 और कैमरे का 50 रुपये अलग से आपको देना पड़ेगा। एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और आगे जो है नेचर पार्क का जो है लुफ्त उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुफरी में आप देख सकते हैं ये कुफरी का फार्म है और यहाँ पे कुछ कुछ बर्फ़ जमी हुई है, साथ ही साथ उसके सामने यहाँ पे ये ढाबा है। ये ढाबे पे आप जो है 100 रुपये प्लेट, जिसमें कि 4 रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ आएगा खा सकते हो, सस्ता है इतना महंगा नहीं है। और यहाँ पे नूडल्स वगैरह मिलते हैं और मोमोज आलू के पराठे ये सब अवेलेबल है, सस्ते रेट में आप यहाँ पे खा लोगे आराम से आपका पेट भर जाएगा 100-150 रुपये में। बहुत बढ़िया खाना हम लोग खा चुके हैं और खाना खाने के बाद अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। बने रहिए यात्रा गुरु 29 पे, दिखाता हूँ आपको आगे और क्या जर्नी होने वाली है। भाई जी थाली मिलेगी जिसमें चावल राजमा राइस रोटी सब कुछ, पेट भर जाएगा एक आदमी का आराम से। दोस्तों यहाँ से कुफरी के लिए ऊपर के लिए ये घोड़े पिट्ठू और याक से आप जा सकते हो, क्योंकि जो भी एडवेंचर एक्टिविटी होगी ये ऊपर चल के टॉप पॉइंट पे करवाते हैं, वहाँ पे आइस भी बहुत अच्छी होती है, स्नो भी आपको अच्छा खासा मिलता है। लेकिन यहाँ से पैदल नहीं जा सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पे कीचड़ मचा हुआ है, पूरा मट्टी मट्टी हो रखी है। तो यहाँ से आप घोड़े को बुक करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उनके शूज़ और जो है ड्रेस लेनी पड़ेगी, और ऊपर जाके आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ये कुफरी का बाज़ार है। आप तो ये अभी हम कुफरी में खड़े हैं, आप देखो पीछे का नज़ारा कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है, आपको एकदम दृश्य अद्भुत दृश्य नज़र आ रहा है।